हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता है। आवर रनिंग चैप्टर इज इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का परिचय, साझेदारी के आधारभूत सिद्धांत। आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूं, सम प्रोविजंस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, पूंजी पर ब्याज से रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रोविजंस दैट शुड बी क्वाइट क्लियर इन योर माइंड। पिछले वीडियोस के अंदर पूंजी पर ब्याज के बारे में मैंने बताया कि यदि साझेदारों के द्वारा एडिशनल कैपिटल लगाई नहीं जाती है या कैपिटल नहीं निकाली जाती है तो सिंपल मेथड, एंड इफ द एडिशनल कैपिटल्स आर इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल विदड्रॉन्स बाय द पार्टनर्स, प्रोडक्ट मेथड इज एडॉप्टेड। इन दो चीजों के अलावा आज अपन आईओसी के स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और डज नॉट प्रोवाइड फॉर आईओसी, क्या मतलब हुआ? यदि साझेदारी संलेख साइलेंट है, आईओसी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा क्लियर नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि डज नॉट प्रोवाइड फॉर आईओसी, साझेदारी संलेख इजाजत नहीं देता है और कहता है कि किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, क्लियर है। तो क्या प्रोविजन है? नो आईओसी इज गिवन टू एनी पार्टनर, किसी भी साझेदार को उसके द्वारा लगाई गई पूंजी के ऊपर ब्याज नहीं दिया जाएगा। एज यू नो पार्टनरशिप इज ओनली एन एग्रीमेंट, ये चीज एग्रीमेंट में लिखी हुई होगी। पार्टनरशिप डीड यदि साइलेंट है या आईओसी के लिए अलाउ नहीं करता है तो किसी भी साझेदार को उसके द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, नंबर एक बात। पॉइंट नंबर बी और सेकेंड, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी, साझेदारी संलेख ये तो कहता है कि पूंजी पर ब्याज देना है, दिया जाएगा, बट नॉट क्वाइट क्लियर दैट इट शुड बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स और द एप्रोप्रिएशंस। साझेदारी संलेख ये तो कहता है कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा लेकिन इसको चार्ज अगेंस्ट माना जाए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स माना जाए या एप्रोप्रिएशन माना जाए, क्लियर नहीं है। एक मिनट के अंदर मैं आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स और एप्रोप्रिएशंस के बारे में बता दूं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स इन माय ओन लैंग्वेज मस्ट एक्सपेंसेस, जो किसी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है एंड विच आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर का कमीशन है, यदि उससे बोल दिया है तो मैनेजर को कमीशन देना पड़ेगा, रेंट किराया चुकाना पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट ऑपरेट द बिजनेस, यू विल हैव टू पे सम मनी फॉर द एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन आपको करना पड़ेगा। किसी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चे जरूरी हैं और जो P&L के अंदर डेबिट किए जाते हैं, एक कंडीशन और है, ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है, चाहे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो और चाहे लॉस हो, हर कंडीशन के अंदर चुकाने ही चुकाने पड़ते हैं, पेमेंट करना ही पड़ेगा। जबकि एप्रोप्रिएशन यदि आईओसी को माना जाता है तो पूंजी पर ब्याज केवल जब ही दिया जाएगा जब बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो। तो इससे रिलेटेड तीन पॉइंट्स हैं। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी बट नॉट क्वाइट क्लियर दैट इट शुड बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स और द एप्रोप्रिएशन, इसके अंदर पॉइंट नंबर वन, इन द केस ऑफ लॉस, यदि फर्म के अंदर प्रॉफिट नहीं हुआ और लॉस हो गया तो किसी भी पार्टनर को उसके द्वारा लगाई गई कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स आर द ओनर्स,
प्रॉफिट होने के ऊपर ही आईओसी दिया जाएगा। यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इन द केस ऑफ लॉस नो आईओसी इज गिवन। सेकंड, इफ द पार्ट इफ द प्रॉफिट्स आर इक्वल टू आईओसी और मोर देन टोटल आईओसी बिफोर चार्जिंग द सेम, यानी कि पूंजी पर ब्याज को घटाने से पहले जो फर्म के अंदर प्रॉफिट है वो या तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर हो या जो आईओसी देना है उससे ज्यादा हो, तो फुल आईओसी दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज पूरा दिया जाएगा। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ए और बी दो पार्टनर हैं। ए ने 4 लाख रुपए की कैपिटल लगाई और बी ने 3 लाख रुपए की कैपिटल लगाई। आईओसी इज गिवन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, पूंजी पर ब्याज 10% वार्षिक की दर से दिया जाता है। तो ए का ब्याज 4 लाख रुपए का कितना हो गया, 40,000, और इसका पूंजी पर ब्याज हो गया 30,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ, 70,000 रुपए का। अब यदि फर्म के अंदर प्रॉफिट इक्वल टू आईओसी, प्रॉफिट जो है मान लो 70,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है इक्वल टू आईओसी, तो इसको फुल आईओसी दिया जाएगा, 40,000 ए को और 30,000 रुपए बी को। यदि प्रॉफिट 70,000 रुपए से ज्यादा है, 80,000 रुपए है या 1 लाख रुपए है या 1,20,000 रुपए है, तो बट नेचुरल नो प्रॉब्लम, फुल आईओसी। समझ में आ गया होगा पॉइंट, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। यदि प्रॉफिट पूंजी पर ब्याज के बराबर है या प्रॉफिट पूंजी पर ब्याज से ज्यादा है, तब पूंजी पर ब्याज को प्रॉफिट में से लेस करने से पहले बिफोर चार्जिंग द सेम। तीसरा पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ इनसफिशियंट प्रॉफिट, अपर्याप्त लाभ है। इस एग्जाम्पल में ए का ब्याज कितना हुआ, 40,000 रुपए, और बी का पूंजी पर ब्याज 30,000 रुपए हुआ, और अपन ये मान के चले कि फर्म के अंदर जो प्रॉफिट हुआ वो केवल 35,000 है। जो प्रॉफिट है वो कितने रुपए का है, 70,000 रुपए का नहीं होके, और प्रॉफिट जो फर्म के अंदर हुआ वो कितना हुआ, 35,000। पूंजी पर ब्याज ज्यादा देना है, 70,000 रुपए देना है, और प्रॉफिट 35,000 रुपए ही है, तो इनसफिशियंट प्रॉफिट हो गया, अपर्याप्त प्रॉफिट हो गया। तो इसके बारे में क्या प्रोविजन है, आईओसी इज गिवन इन द कैपिटल रेशियो ऑफ द पार्टनर। तो स्टूडेंट्स बात समझ में आ गई होगी, मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि साझेदारों का टोटल पूंजी पर ब्याज ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, आईओसी कितना है 70,000 और प्रॉफिट कितना है 35,000, तो रूल क्या है, साझेदारों को उनकी पूंजी पर जो ब्याज दिया जाएगा इनके कैपिटल रेशो में दिया जाएगा। अब ए की कैपिटल 4 लाख रुपए है और बी की कैपिटल कितनी है, 3 लाख रुपए, तो इसका रेशो क्या होगा, 4:4:3। इस रेशो के अंदर इनको आईओसी दिया जाएगा। 35,000 रुपए का प्रॉफिट है, 35,000 मल्टीप्लाइड बाय द कैपिटल रेशो 4:3, 20,000 रुपए पूंजी पर ब्याज किसको दिया जाएगा, ए को, और 5 × 15,000 रुपए पूंजी पर ब्याज किसको दिया जाएगा, बी को। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन यू कैन कैलकुलेट दिस रेशो विद द हेल्प ऑफ द इंटरेस्ट। ये जो इनका ब्याज बन रहा है इसके रेशो के अंदर भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, 5:4:5:3, यहां पर भी रेशो क्या आएगा, 4:3। बट इट इज बेटर फॉर यू, यू शुड कैलकुलेट
the IOC in this condition in their capital ratio. Students, special provisions के अंदर एक provision और बसता है. If IOC is treated as charge against profits, यदि पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार माना जाता है तो क्या करेंगे? पहली बात, फर्म के अंदर चाहे लाभ हो या हानि हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर फुल आईओसी दिया जाएगा. नंबर एक बात मैंने क्या बताई, फुल आईओसी. और नंबर सेकंड बात क्या है कि ये जो आईओसी है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में नहीं लिखा जाएगा. वी विल शो दिस आईओसी इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और इन अदर वर्ड्स आई कैन से इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट नहीं होगा. डेबिट किसको होगा? डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब स्टूडेंट्स, ये जो अपन ने प्रोविजंस पढ़े इसके छोटे छोटे अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि ये आपके सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हो जाए. स्टूडेंट्स, आईओसी से रिलेटेड जो अभी अपन ने स्पेशल प्रोविजंस थ्योरेटिकली पढ़े इसके थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर लेते हैं. आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल. एक्स एंड वाई आर टू पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. एक्स और वाई दो पार्टनर हैं. किस रेशियो के अंदर? 3:2 के अंदर. इनकी जो कैपिटल है, एक्स इन्वेस्टेड ए कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड वाई इन्वेस्टेड ए कैपिटल ऑफ ₹1 लाख. एक्स ने 2 लाख रुपए की कैपिटल लगाई और वाई ने 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई. ऑल्टरनेट्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, इफ द डीड इज साइलेंट अबाउट द आईओसी, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड आईओसी के लिए अलाउ नहीं करता है और फर्म के अंदर प्रॉफिट जो है वो 60,000 के हैं. प्रॉफिट कितना है? 60,000 का प्रॉफिट है, ₹60,000. प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स बिटवीन एक्स एंड वाई. कैसे डिवाइड करेंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन प्रिपेयर करेंगे. सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट के अंदर फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर ले सकते हैं, 31 मार्च ले सकते हैं. प्रोफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड स्टैंड्स फॉर एंड राइट हैंड साइड स्टैंड्स फॉर क्रेडिट. प्रॉफिट कितने रुपए का है? 60,000 रुपए का प्रॉफिट है. सबसे पहले बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट्स को मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन फ्रॉम द पी एंड एल अकाउंट से प्रॉफिट कितने रुपए का लिया आया? 60,000 रुपए का मैं प्रॉफिट लिया आया. पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, साइलेंट है तो बट नेचुरल आईओसी की रेट भी नहीं होगी. तो यहां पर जो अपन आईओसी देते हैं डेबिट साइड के अंदर, किसी भी पार्टनर को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा. अभी अपन ने डिस्कस किया था. तो क्या करेंगे? डायरेक्ट इस प्रॉफिट को एक्स और वाई के अंदर डिवाइड कर देंगे और यहां पर क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट एक्स और वाई. रेशो क्या है? 3:2. 60,000 के प्रॉफिट को 3:2 के अंदर अपन डिवाइड कर देंगे. 5 1 जा 1 5 2 जा. एक्स का प्रॉफिट कितना हुआ? 12 3 36,000 और 12 2 24,000 टोटल अमाउंट.
कॉलम के अंदर कितना जाएगा 60,000 रुपए और यहाँ पर टोटल कितना जाएगा 60,000 रुपए। कहने का मतलब है कि यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा और प्रॉफिट इनके कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लियर? रिमेनिंग पॉइंट्स, रिमेनिंग प्रोविजंस फॉर द आईओसी वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आशा करता हूँ कि आज जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कोई क्वेश्चंस है, डाउट्स हैं और सजेशंस भी हैं, यू कैन सजेस्ट मी, आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ और देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।